गणेश उत्सव का छठवां दिन जहां इंदौर का गणेश पंडाल आस्था का केंद्र बना हुआ है। पंडाल को बनारस घाट की थीम पर बनाया गया है, जहां पंडाल में बाबा विश्वनाथ के दर्शन जो है वो मिलेंगे। वहीं भक्ति में सराबोर श्रद्धालु महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। गणेश उत्सव पर पुणे से शानदार तस्वीरें निकल कर आई, जहां पर श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति को 300 किलो का मोदक अर्पित किया गया। वहीं भगवान गणेश की विशेष आरती भी की। दिल्ली में सीजेआई के आवास पर प्रधानमंत्री मोदी गणपति उत्सव में शामिल हुए, जहां उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनके परिवार के साथ मिलकर गणपति की पूजा आरती की। अब त्योहारों के अवसर पर घर आने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। त्योहार को देखते हुए रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जिससे नवरात्रि दिवाली और छठ पर घर जाने वालों को राहत मिलेगी। गोरखपुर में रामगढ़ ताल की खूबसूरती में चार चांद लगने वाले हैं, जहां प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया है, जहां सभी प्रकार के भोजन का पर्यटक स्वाद ले सकेंगे। वहीं 15 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ रेस्टोरेंट का उद्घाटन करेंगे। समुद्र में नौसेना की और ताकत बढ़ने जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना को बड़े साइज के अनमैन्ड अंडरवाटर वेसल्स बनाने की मंजूरी दे दी है। अब ये प्रोजेक्ट 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। नौसेना इन जहाजों का इस्तेमाल दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला करने, बारूदी सुरंगें बिछाने और हटाने, निगरानी करने के लिए हथियार लॉन्च करने जैसे कई कामों के लिए करेगा। तिरुवनंतपुरम में सचिवालय परिसर में फूलों के साथ साग सब्जियों से भी शोभा उसकी बढ़ाई गई। वहीं सीएम पिनाराई विजयन ने सब्जी गार्डन का उद्घाटन किया। गार्डन में कई तरह की सब्जियां लगाई गई हैं। पाली के सूखा प्रभावित क्षेत्र में 25 साल बाद गिरी बांध ओवरफ्लो हुआ है। बांध को ओवरफ्लो होने के बाद लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया, साथ ही साथ जुलूस निकालकर जश्न मनाया। गढ़चिरौली में बाढ़ में फंसी एक महिला के लिए प्रशासन की तत्परता देखने को मिली, जहां एक बीमार महिला के लिए प्रशासन हेलीकॉप्टर की मदद से एक बैग जो है वो खून पहुंचाया, जिसके बाद महिला को खून चढ़ाया गया।